नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और आप सभी देख रहे हैं LNI। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के द होटल लिली विलास में, जहां पे लखनऊ की इवेंट ऑर्गेनाइजर स्वाति कन्नौजिया द्वारा बॉलीवुड की मेकअप आर्टिस्ट तुषार अरोरा और साथ ही नम्रता दयानी आई हुई हैं और एक इवेंट के लिए जो कि मेकअप क्लासेस है। तो ऐसे में आइए जानते हैं उनसे क्या होने वाला है आज के कार्यक्रम में और स्टूडेंट्स का क्या कहना है, साथ ही ऑर्गेनाइजर्स का और साथ ही तुषार अरोरा और नम्रता दयानी का भी। हेलो। तो जैसा कि मैम आज आप यहाँ पे लिली विलास में आई हैं लखनऊ में, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? I have been to this place before also. मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ and it's a nice place. I like the vibe, I like the ambience. देखिए, मेकअप बहुत ही कस्टमाइज चीज़ है और हम जब भी किसी का मेकअप करते हैं, स्पेशली जब मैं कर रही होती हूँ किसी का मेकअप, मेरा एक ही फोकस होता है उनके फीचर्स, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी ड्रेसिंग, उसके साथ क्या ब्लेंड करेगा, बिकॉज आई थिंक मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ब्लेंडेड दिखना चाहिए, ऑफ बीट नहीं। और जो स्टूडेंट्स आपके नहीं आए उनके लिए आपका क्या मैसेज है? और मैम ये बताइए आपकी इंस्पिरेशन क्या? मेरी इंस्पिरेशन है नेचुरल कलर्स। आई रियली इंस्पायर, आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉट ऑफ नेचर, है ना, जो फ्रेशनेस है, क्योंकि मेकअप में एक फ्रेशनेस होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे व्हेन एवर आई एम ट्रैवलिंग, मैं कुछ कुछ फ्लावर्स, कुछ कुछ चीज़ें, लीव्स, कलर्स, उनकी शेडिंग, उनके ब्लेंड्स, कुछ ऐसी चीज़ें देखती रहती हूँ जिसे मैं इंस्पिरेशन लेके अपना काम करती हूँ। आज की मास्टर क्लास के बारे में कुछ बताइए मैम। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई रियली अप्रिशिएट स्वाति फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट सो वेल एंड इट्स रियली नाइस। आई लव द क्राउड, आई लव एवरीथिंग। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे सबने मुझसे और I think really the look also turned out to be great. बहुत सारे नए भी हैं एंड आई थिंक वो मुझे जानते थे बाय नेम और प्रॉब्ली मेरे काम से मुझे जानते थे और आई लाइक द वे दे वर इंटरेक्टिंग विद मी एंड मुझे बहुत क्यूरियस लगे फॉर लर्निंग। मोस्ट प्रीमियम होटल इन लखनऊ। आई लाइक द वे दे हैव ऑर्गेनाइज्ड। एक अच्छा बैंक्वेट, बहुत कम्फर्टेबल है एंड द कूलिंग सिस्टम इज गुड, जो हम लोग को नॉर्मली मेकअप में चाहिए होता है। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस होल एफर्ट। हेलो, आपका शुभ नाम? माय नेम इज खुशी सक्सेना। तो खुशी जी, ये बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज की क्लास में? सो इट वाज वेरी इनसाइटफुल एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए काफी यादगार रहेगा, बिकॉज तुषार मैम के साथ काम करना हैज ऑलवेज बीन सो मच फन, प्लस शी इज वन ऑफ द मोस्ट sweetest makeup artist I've ever worked with, so it was a wonderful experience. आप कहाँ से हैं? I'm from Lucknow. Lucknow से हैं, तो ये बताइए इससे पहले आपने as a makeup model कहीं काम किया है? हाँ जी, I've worked for many brands before as well, and yeah, so I'll talk about this experience right now, which is I want to say which is very wonderful, and I would like to thank Tusha ma'am for giving me this opportunity. और ये बताइए कि तुषार जी के बारे में आप थोड़ा और कुछ कहना चाहेंगे? मैम के बारे में मैं यही कहूँगी दैट शी हैज़ बीन मोटिवेटिंग थ्रू आउट। कुछ मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो कि क्लाइंट या फिर मॉडल के इमोशंस का ध्यान नहीं रखते हैं, दे जस्ट ट्रीट देम लाइक डमीज, बट विद तुषा मैम आई हैव सीन दैट शी हैज़ बीन सो स्वीट, शी टेक्स केयर ऑफ एवरी थिंग दैट इज रिक्वायर्ड एंड I don't have to ask for anything if I am working with Tusha ma'am. Aaj ka look aapka kaun sa hai? It's a bridal look and I am absolutely in love with this. I'm never able to expect ki ma'am kya karne wali hai because it is always beyond my imagination. So it is wonderful. तो स्वाति जी, जैसा कि पता चला है आज आपका बर्थडे है, आई विश यू हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच मैम। आज का कार्यक्रम ये है कि हमारा एक सलोन है, एकेडमी है हमारी, अंबिका मेकअप स्टूडियो, जैसे कि आप देख सकते हो। हाँ। इन्होंने प्रेजेंट किया है। आज तुषा मैम की मास्टर क्लास थी, नम्रता दयानी मैम की मास्टर क्लास है। अभी ब्राइडल कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, अभी मॉडल्स के कॉम्पिटिशन हो रहे हैं और उसके बाद जो है हमारी जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं शफक नाज, वो आके अवॉर्डिंग करेंगे। नहीं मैम, दिस फर्स्ट एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम और मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा रहा मैम और अच्छा ही जाएगा आगे भी। तुषा जी के बारे में आप क्या कहना? तुषा मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत। आप लोग ने तो जैसे कि देखा है कि मतलब उन्हें देख के एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। होटल सर्विस के बारे में आप क्या कहना? वैसे होटल बहुत अच्छा है,
बस थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, बट मेकअप स्टूडियो जैसा कि आपकी एकेडमी है, स्टूडियो है, उसका एड्रेस क्या है और वो बेसिकली कैसे? ये जो है हमारा विशालखंड में है, जो कि गोमती नगर में है, सीएमएस के पास, वहाँ पे मेरा स्टूडियो है और वहीं पे मेरी एकेडमी भी है। लखनऊ की मैम, आपका शुभ नाम? माई नेम इज विनेश खान, विनेश खान। विनेश जी, ये बताइए कि आप लखनऊ की रहने वाली हैं? जी, लखनऊ की रहने वाले हैं। मैम की क्लास आपने पहली बार की? जी, फर्स्ट टाइम कर रही। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया सारी चीजें। फोकस किस पे रहा? वैसे तो उनकी टेक्निक्स बहुत ज्यादा यूनिक हैं। कौन सा लुक उन्होंने सिखाया? ब्राइडल लुक। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार। शुभ नाम? आरती। तो आप आरती जी, आप कहाँ से आई? मैं यही लखनऊ से हूँ। उषा जी की क्लास आपने इससे पहले कर चुकी है? नहीं, फर्स्ट टाइम था। किसकी क्लास की आपने इससे पहले? इससे पहले मैंने किसी की नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम ही? यस। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, और मुझे मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और ये बताइए कि आपको तो होटल लिली विलास का सर्विस वगैरह कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैम भी बहुत अच्छी है यहाँ की, और बेस्ट वेल। रंजना। रंजना जी, अच्छा ये बताइए आप कहाँ से रहने वाली हैं? मैम हम दोनों एक साथ में ही ठाकुरगंज से। हम लोग ठाकुरगंज जी, ठाकुरगंज से आपको यहाँ पे लखनऊ में ठाकुरगंज जी, तो आपका आना जाना रहता है इधर साइड? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम। मैम उनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, काफी अच्छा लगा, मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ। इससे पहले कोई मेकअप क्लास आपने अटेंड किया? नहीं मैम, फर्स्ट टाइम है। तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैम काफी अच्छा। किस चीज से मैम आपने फोकस किया है मेकअप? मैम मेकअप पे मतलब सारी चीजों को वैसे तो फोकस किया है, और हम लोगों ने जो सीखा उनसे वो काफी अच्छा रहा और काफी अच्छा लगा उनसे। अच्छा लगा जी। नमस्कार, आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से हैं, और आप तुषा जी क्लास पहली बार अटेंड किए? जी जी। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आपके बारे में? उनकी क्लास बहुत ही अच्छी थी। मैंने तो फोकस किया ये सब बताइए। मैंने तो पूरा उनका ऑल वर्क देखा, पूरा ऑल मेकअप। मैंने उनको फॉलो भी कर लिया है, अभी मैंने आज फर्स्ट टाइम उनके बारे में सुना, फर्स्ट टाइम देखा उनका मेकअप। तो ये बताइए द होटल लिली विलास की सर्विस आपको कैसी लग रही है? बहुत ही अच्छी। मेरा नाम दिव्या मिश्रा है। क्या है? दिव्या मिश्रा। दिव्या जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं प्रॉपर लखनऊ की। प्रॉपर लखनऊ की है, तो ये बताइए आपने इससे पहले कोई और मेकअप क्लास? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम ही क्लास अटेंड की है। क्या सोच कर अटेंड किया था? मैंने मेरी मैम लेकर आई थी, उन्होंने कहा कुछ नया सीखोगी, तो मैं आई थी। और एकता श्रीवास्तव वो बैठी हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बताइए अच्छा आपको तुषार की क्लास कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी, मैम बहुत कॉन्फिडेंट थी और वो बहुत अच्छे से सिखा भी नहीं थी, हर चीज हर प्रोडक्ट का नाम भी बता रही थी, ये बेसिक था। मैं नोट एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा। नमस्कार, आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। इससे पहले आपने कोई कोर्स मेकअप का किया था? नहीं मैंने नहीं कर नहीं एक्चुअली आई मैं ऑर्गेनाइजर। अच्छा, ऑर्गेनाइजर। तो फर्स्ट टाइम आता है जी? कैसा था? बहुत अच्छा लग रहा है मैम के शो में आके। मैम आपकी मॉडल है जी? अच्छा, तो कौन सा लुक है मैम का? जी इनका तो ब्राइडल लुक है। और मैम ये बताइए तुषा जी क्लास आपको कैसी लगी? काफी अच्छी लगी, काफी अच्छी लगी, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम के साथ, और काफी अच्छा शो जा रहा है मैम का। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी एंटरटेन किया गया है यहाँ पर। आपको कौन सा मेकअप लुक है? मेरा ब्राइडल। थैंक यू। नमस्कार मैम। हेलो, आपका शुभ नाम? कॉर्पोरेट। तो कॉर्पोरेट जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज? बहुत अच्छा था, मैम ने एक्चुअली बहुत रिसेंट ज्वाइन किया, बहुत अच्छा मेकअप वो करती है, नम्रिता दयानी मैम, और बहुत अच्छा मेकअप उन्होंने किया है। तो मेकअप लुक आपका कौन सा है? ब्राइडल लुक है मेरा। हाँ मैंने मॉडलिंग काम किया, इससे पहले मैंने सेमिनार्स किए हैं, श्रेया जी वगैरह के किए हैं, बहुत अच्छा लगता है, सेमिनार्स वगैरह काफी अच्छे होते हैं। और तुषा जी के बारे में कुछ कहना है? तुषा मैम अच्छी है, नेचर बहुत अच्छा है, बट मैंने अभी तक उनकी कोई क्लास अटेंड नहीं करी है, तो मुझे पर्सनली उनको नहीं जानती हूँ मैं। थैंक यू। उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सुना है। दीपाली यादव। दीपाली जी, उससे पहले आपने कोई मेकअप क्लास अटेंड की थी? मैंने मैम की फर्स्ट टाइम करी है, बाकी करी है मैंने बट मैम की, यस नम्रता मैम की, तुषा मैम की भी करी है आज। तो कैसा एक्सपीरियंस था आज का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि लखनऊ में मेरा ये सेकेंड इवेंट था जो मैंने अटेंड किया है, बाकी मैंने दिल्ली में किया है, बट कौन सा इवेंट वो ब्यूटी एक्सपो था,
तो ये मेरा सेकेंड था, तो इट वॉज टू गुड। कई मैंने मेकअप की स्किल सीखी और जितना भी यहाँ का मैनेजमेंट था, इवेंट था, एवरीथिंग वाज टू गुड। होटल होटल भी अच्छा है क्योंकि मैंने होटल में रूम भी ले रखा था, तो होटल मैनेजमेंट भी नाइस। थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मोना सिंह। तो मोना जी, ये बताइए कि आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा तुषा मैम की और नमिता नयानी की क्लास में? एक्सपीरियंस तो वैसे काफी अच्छा रहा, काफी ज्यादा मेकअप की न्यू ट्रिक्स एंड स्किल्स सीखने को मिले। आपने दोनों की क्लास अटेंड की है, तुषा मैम और नमिता नयानी? यस। हां, काफी सीखने को मिला आज। वैसे मेकअप में काफी ज्यादा छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी होती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं कि या हाउ टू मेक परफेक्ट मेकअप। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से। प्रॉपर लखनऊ से। इससे पहले कोई क्लास अटेंड की थी आपने? नहीं, मेकअप क्लास बस। नमस्कार मैम, ये बताइए कि आज आपका लिली विलास में मेकअप क्लास का वन डे था, फर्स्ट डे था, तो उस दौरान आपके कार्यक्रम में क्या क्या हुआ? मैं नम्रता दयानी, ओनर ऑफ मैजिक मोमेंट्स ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी। मैं इस फील्ड में लगभग 10 से 12 साल से हूँ। तो हमारा जो एक्सपीरियंस आज का था बहुत ही अच्छा था। हमारे ऑर्गेनाइजर जो स्वाति जी थी, उनका इवेंट बहुत ही अच्छा रहा। मेरे हिसाब से जो भी उन्होंने मैनेजमेंट किया वो बहुत कोऑपरेटिव थी, उनकी टीम बहुत कोऑपरेटिव है, और मुझे वेल एंड ट्रेंड एंड वेल एंड गुड एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से था आज का। आप कहाँ से हैं? मैं यही लखनऊ से हूँ, और मेरा, हाँ जी, मेरा कृष्णा नगर में ही अकेडमी भी है, और एक अकेडमी आशियाना में है, मैजिक मोमेंट्स ब्यूटी सैलून एंड अकेडमी। सो जो भी ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, जैसा भी ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, और मैं फुल सेटिस्फाइड थी, बहुत ही अच्छी थी उनका इवेंट करके। जो भी चीज मैं इवेंट उनसे कहती थी ना, हांजी मैम करके वो प्रेजेंट करते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैम, ये बताइए आप अपने क्लाइंट्स का मेकअप क्या सोच के करती हैं? मैं अपने क्लाइंट्स का मेकअप एज पर डिजायर करती हूँ। पहले तो मैं क्लाइंट से पूछती हूँ कि आपको क्या चाहिए, बिकॉज आजकल सेटल मेकअप, न्यूड मेकअप चल रहा है, तो मेरी कोशिश होती है कि जो उनकी डिमांड हो मैं उनको फुलफिल कर पाऊँ। और मैं अपने हिसाब से बहुत करती हूँ, जब तक क्लाइंट मुझ पे नहीं छोड़ता है कि मैम आप देख लो, आप कर लो, तब मैं अपने अकॉर्डिंगली करती हूँ। बट अगर क्लाइंट जरा सा भी कहता है कि मैम न्यूड लिपस्टिक लगाना, तो मैं न्यूड ही देती हूँ, डार्क लगाते तो मैं डार्क ही देती हूँ, और प्रॉपर सेटिस्फाइड करके क्लाइंट को भेजती हूँ, चाहे मुझे मेकअप करने में 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे। तो ये बताइए नम्रता जी, जैसा कि आज आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, हाँ जी, मेरे बहुत ऐसे होंगे जो नहीं आ पाए, हाँ जी, क्या मैसेज है? मेरे जो बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं बिकॉज मेरा वर्क देख के ही आए हैं कि मैम कुछ अलग सिखाने वाली हैं आज, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए थे उनके लिए भी ये है कि हम छोटी छोटी मास्टर क्लासेस करके ही आगे सीखते हैं, बिकॉज छोटा छोटा पार्ट लेके ही एक बड़ा मेकअप आर्टिस्ट बनता है। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे आज सीखने आए हैं और जो मेरी अकेडमी से हैं, उनको कुछ अच्छा और कुछ नया देखने को मिला है। तो ये बताइए आज आपको जो नए स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आएंगे उनसे मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे थे और मेरे हर क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे थे, एंड मुझे लग रहा था कि वो मेरे मेकअप में थोड़ा इन्वॉल्व हो रहे हैं। होटल लिली विलास का मैनेजमेंट सर्विस कैसा लगा आपको? होटल लिली विलास जो मेरा सेकंड है ये सेमिनार, अभी मेरा लास्ट सेमिनार भी यहीं पे हुआ था आइसबर्स्ट के साथ। बहुत अच्छी टीम है, जो भी चीज इनसे मांगो तुरंत अवेलेबल हो जाती है, और बहुत अच्छा है इनका वर्क। इवन होटल के रूम्स, होटल का स्टाफ, होटल का रिसेप्शन, हर कोई बहुत कोऑपरेटिव है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लिली विलास का। थैंक यू मैम।